अभी तक जो हुआ उसको भुला जाओ, अब जो होने वाला है वो 2020 मैच होगा। क्या जी हल्ला करके बताइए है कि नहीं? जो हुआ वो भुला जाओ, अब जो होगा 2020 मैच होगा। तो 2020 का मतलब होता है कि एम्पायर क्लियर, कैमरा क्लियर, बैट्समैन क्लियर, बॉलर क्लियर, और 2020 का मजा लीजिए। साउंड थोड़ा सही करिए। हेलो 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 हेलो, थोड़ा ऊपर करिए। हेलो 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 हेलो, आई लव यू, थैंक यू सो मच। साधु भाई बात को आप समझ गए, थोड़ा सा बेस कम करिए, टोन को बढ़ाइए, हाइप करिए बस। थैंक यू। गोलू, भीड़ कितना भी हो उनको नहीं देखना है, अपने काम को देखना है, फोकस काम पे रखो, क्योंकि काम ही नाम करता है, भीड़ काम नहीं करती है, ध्यान रखना है। बैंजू बैंजू का सुर देखो। हेलो चिक हेलो, अभय बाबा, विजय चौहान और शिल्पी राज, तीनों लोग आप मंच पे आ जाएंगे। अभय बाबा, अभय बाबा, विजय चौहान और शिल्पी राज, तीनों लोग मंच पे आ जाएंगे। आप तीनों लोग खड़े हो जाइए। हाँ लाइन से खड़े, इधर आइए, हम बताते हैं, जो बताते हैं उसको सीखिए। आप सब जितने भी लोग कैमरा लगाए हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं, बस ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। गोलू भाई अभी कोई डिस्टर्बेंस मत करिएगा, दो मिनट। जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात, सुनने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि राकेश मिश्रा ने बोला तो क्या बोला। सबसे पहले, सबसे पहले अभय बाबा एक ऐसा भाई जिसने ब्रह्मा बहन के, एक ऐसा भाई जो ब्रह्मा बन के एक बहन के तकदीर के लिए मेहनत करता है दिन रात, जिसका नाम है शिल्पी राज, और अपनी जान लगा देता है और पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम को गर्दा उड़ा देता है, उसका नाम है अभय बाबा। एक ताली बजा के स्वागत करिए आप। पहले जानिए कि ये लोग हैं कौन। आपको पता है कि ये बहन के भाई हैं, आके मेहनत कर रहे हैं शादी कराने, लेकिन जानिए। और ये जो शख्स खड़ा है, ये हम बताएंगे, कौन बताएगा, ये बताएंगे, वो बताएंगे, किसी के बताने की जरूरत नहीं है। जिसका नाम है विजय चौहान, जिसने नाम है विजय चौहान, उसने जब खाया जर्दा पान तो पूरा इंडिया हिल गया कि वही विजय चौहान है। एक ताली बजा के स्वागत करिए इनका। एक गीतकार नहीं, एक संगीतकार नहीं, एक ऐसा कलाकार जिसने दिन रात जब दुनिया बोल रही थी कि भोजपुरी में सिर्फ सिंगर बजता है, तो उसने बताया कि नहीं, शिल्पी राज भी बजती है। इसके लिए ताली बजाओ यार जोर से। तुम्हारे धरती, तुम्हारे गांव, तुम्हारे जवार का नाम जिसने की, जिस बेटी ने आज सारे स्टारों को यहां बुला दिया, जिसने बहन के भाई का फर्ज निभा दिया, जिसने ये बता दिया कि भैया अगर हम आपके लिए प्यार करते हैं तो आप भी हमसे प्यार करते हैं, मेरे गांव में आना जरूर। उसी शिल्पी राज के लिए हम लोग आए हैं, उसी बहन के लिए आए हैं। पहली बार जब ये कॉल की तो हमने ये भी नहीं पूछा कारण क्या है, हमने सिर्फ इतना पूछा कि डेट बताओ, राकेश मिश्रा आएगा, 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 वादा करता है कि आएगा, चाहे कुछ भी बिजी के शेड्यूल हो। हम लोग आए हैं, कहां आए हैं, किसके लिए आए हैं? इसके लिए नहीं, एक छोटी सी लड़की आपके देवरिया का, आपके धरती का, आपके यूपी का, आपके जिले का, आपका घर का नाम बढ़ा दी, क्या इस बेटी के लिए ताली नहीं बजा सकते हो यार? बस इतना ही था, और मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर भी हम खुश रहते हैं, क्योंकि हम संत घर सदा दिवाली है। अच्छी बात क्या है वो सुनिए। ये जो तीनों दिख रहे हैं ना, एक कहावत है कि क्या आपने किया
तो हम लोग बोलते हैं कि जब तीन मिल जाते हैं ना तो दुनिया हिल जाता है। इन तीनों ने पूरा इंटरनेशनल दुनिया हिला दिया। इन तीनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू सो मच हम जैसे कलाकार को यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम ऐसे ही हैं भाई। अब ये हो गया, अब क्या होगा पता है आपको? पता है नया बात, कैमरा में रिकॉर्डिंग को देखिए, नया बात देखिए। एक भाई जो हवाई चप्पल पे नहीं लेकिन एक चप्पल पे आया है, पता है कहाँ? कहीं से होता ना तो हम जूता पहन के जाते हैं, लेकिन जब पता चला कि शिल्पी के घर में बहन का शादी है तो एक भाई अपने बहन के शादी में स्टार्डम नहीं दिखाता है, अपने बहन के शादी में गरीब की तरह आता है, क्योंकि ससुराल वाले दहेज कहीं ज्यादा ना मान ले दिया है ना। उसके बाद भी हम भाई बन के आए हैं और मुझे गर्व है कि मैं देवरिया की बेटी के लिए भाई बन के आया हूं और आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद है आपके भाई के ऊपर। इतना ही ज्यादा जब यहां आया इसी देवरिया का धरती का एक लाल निहाल मिश्रा जो बहुत अच्छा गायक है, बहुत अच्छा स्टार है, उनके बड़े भैया जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने एक ही बात बोला कि अगर शिल्पी के घर चलना है तो हम सब चलेंगे, क्योंकि शिल्पी सिर्फ एक घर की नहीं है, पूरे देवरिया की है, पूरे यूपी की है और पूरे जनता की है। एक ताली बजा के अपना आशीर्वाद आप सब दे दीजिए। अब इसके बाद परेशान नहीं करेंगे, अब गाना गा दें। अब मेरा एंट्री सुनिए, अब मेरा एंट्री सुन लीजिए। मेरा नाम राकेश मिश्रा, आपका छोटा भाई, छोटा सा कलाकार, कुछ भी आता नहीं है फिर भी प्रयास करता हूँ सीखने के लिए। आप सभी को पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। एक ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए। इस दुनिया का संगीत दुनिया का बेताज बादशाह मेरा भाई रितेश पांडे, आज के 2022-23 का सबसे बड़ा सुपरस्टार रंजीत बाबू, और स्टारों का स्टार रितेश भाई इसलिए है कि हेलो कौन से बड़ा गाना नहीं है। गोलू जो तबला पे बैठा है, गोलू की पूरी टीम, मेरा जो एंकर भाई है जो कब से बोल रहा था, ये सारे लोग स्टार है, जो एक्ट्रेस है जो डांस कर रही है वो सारी स्टार है। अगर कोई स्टार नहीं है तो सिर्फ राकेशवा स्टार नहीं है, क्योंकि आज भी हमको नहीं पता चलता है कि हम स्टार हैं। बस इतना ही है मेरे साथ, लेकिन ठीक है, छोटी मोटी बात है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं जहां से, उसके लिए सिर्फ दो लाइन मांगेंगे, पूरा मत मानिएगा, उसके बाद हम गाएंगे। गोलू तबला के आसपास से आदमी हटा दो, बैंजू के आसपास से आदमी हटा दो, हमको वो वोकल चाहिए, दोनों वो हटा दो, वहां से हटो भैया, वो कोने से हटो, वो हमको चाहिए, हाँ वहां से हटो। निहाल तुम बहुत अच्छे गाते हो, स्वैगी स्वैगी किधर हो, स्वैगी इधर आ जाओ, आज ये तो मजा देखो हम क्या किए हैं, इधर तो आओ। दुनिया में, दुनिया में बड़े आदमी के पीछे तो सब घूमते हैं, इनको पैसा है, उनको पैसा है, उनको पैसा है, हाँ हाँ, दुनिया में बड़े के पीछे सब घूमते हैं। एक ऐसा लड़का जो अपने बाप माँ का सपना स्वीकार करने के लिए रील्स में अपना तजुर्बा दिखाया, आज पूरे इंडिया में उसका नाम है। स्वैगी के लिए एक ताली बजा के आप लोग अभिनंदन कीजिए। और मेरा भाई यहाँ आया है शिल्पी के घर की शादी में, हमेशा इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच भाई, वहीं बैठा अभी बुलाते रहे, कहाँ टेंशन ले रहे हैं, 2 मिनट बाद बुला देंगे, मजा लीजिएगा आप भी, लेकिन भाव को समझिए। वहां से हटाओ ना, वो समझ में नहीं आ रहा, बैंजू बहुत कम है, बैंजू को बढ़ाओ ना भाई, बैंजू बहुत कम है। थैंक यू।
कि अगर तू मां तू है तो मैं भी तेरा बेटा हूं, कि अगर तू मां तू है तो मैं भी तेरा बेटा हूं, और की तरह मैं भी एक चहेता देते हैं मैया जी। मैं भी तेरे दरबार से कुछ ना कुछ जरूर लेता हूं। जितने भी लोग अपनी मां को मानते हैं दोनों हाथ उठा लीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, अपना अपना हाथ उठा लीजिए। और ये तो शादी का फंक्शन है, फिर भी हम हाथ उठवा दिए, सॉरी इसके लिए, मुझे बुरा मत बोलिएगा, मां से बड़ा कुछ नहीं होता है। प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की। हे मां, जिस शादी में आए हैं, जिस जोड़ा के लिए आए हैं, उस जोड़ा में उस बहन का सुहागन, उसका सुहाग आजीवन समर्पित है, आजीवन इसी तरह खुशहाल रहे। मेरी बहना से बड़ा कुछ है नहीं, उससे बड़ा कोई गहना है नहीं, उससे के लिए कुछ कहना है नहीं, बस मेरी बहन आपकी कृपा से सुहागन रहे। जैसे ये आज मंच सजा है, उसके जीवन में हमेशा मंच सजता है। लेकिन अब कुछ नहीं कहेंगे।